ये लगाया आपने? ये चार्ज करने के लिए, ये स्ट्रोक का आएगा, स्क्रू खोलने का, कसने के लिए। इसके अंदर एक बैटरी आप निकाल लेंगे, दूसरी बैटरी को चार्ज करेंगे, तीसरी बैटरी, तीन बैटरी जो है ये स्क्रू यहाँ कसने से, मान लो ये स्क्रू को अपने को कसना है तो इसको यूँ कस सकते हैं, समझ गए ना? आप खोल भी सकते या ये जैसे ये आपको यूँ अंदर कसना हो कोई स्क्रू, या कोई आपका हाथ नहीं पहुँच रहा इसके अंदर, या सामने से कसना है सामने से चला सकते। पैट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए 2 PM अर्थात पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, यदि आपके पास एजुकेशन कम है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कामयाब होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो साथियों विज्ञान से जुड़िए। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अम्मार पावर टूल्स एंड हार्डवेयर शॉप पर, जो कि मशीनरी, पावर टूल्स की समस्त प्रकार की मशीनरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मशीनरी से जुड़िए, क्योंकि जब आपके हाथ में स्पीड आएगी तो पैसा भी स्पीड से आएगा। तो ऐसे में यदि आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं, पेट्स, प्लांट्स से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं लोकेशन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। इस शॉप पर जाना चाहते हैं तो इंदौर का गंगवाल बस स्टैंड के पास में ही ये शॉप है। किसे पूछेंगे तो बता देगा, गंगवाल बस स्टैंड के पास में ये शॉप है। आज मैं आपके बीच में कर रहा हूँ हैमर मशीन और ड्रिल मशीन, समस्त प्रकार की वैरायटी, जिसमें रेट सहित आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर ये मशीन आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के आपको पूरा पता चल जाएगी कौन सी मशीन कितने में आएगी और वो आपको कैसे मिलेगी, वो कैसे काम करेगी, समस्त प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस मशीन पे मशीन से संबंधित समस्त प्रकार के टूल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बातें ढेर सारी होगी, अब शुरू करते हैं हम वीडियो। ये अपन आगे बढ़ते हैं तो ये घरेलू यूज़ के लिए ड्रिल मशीन है। ये नॉर्मल घर में आपको पर्दे लगाना, फोटो फ्रेम लगाना, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये मशीन नॉर्मली एक तो वज़न भी कम है इसको, लेडीज़ जेंट्स दोनों साथ होते हैं, यानी घर में अगर उड़ते भी है तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली आपने इसको प्लग इन किया और ये मशीन चालू हो गई। अब आपको लकड़ी, अगर आपको दीवार में होल करना है, नॉर्मली कोई भी जो साइज़ का आपको होल करना है वो साइज़ का बर्मा इसमें से निकालेंगे। मान लो आपको छोटा होल करना है, छोटा वाला बर्मा लेंगे, और इसके अंदर आपको चावी दी गई, चावी से इस प्रकार से इसको खोलना है। ये देखो, ये इसको इस प्रकार से लगा देंगे अपन, और इसको अपन टाइट कर देंगे। बस ये टाइट करने के बाद आप लोग जहाँ भी होल करना हो, लकड़ी दीवार वगैरह में होल कर सकते हैं। ये नॉर्मली है, ये 600 रुपये से स्टार्ट होकर 750 रुपये तक आ जाती है। ये नॉर्मल ड्रिल है, इसके अंदर आप ये जो बर्मा लगा हुआ है इससे आप दीवार में होल कर सकते हैं। इसमें ये तीन टाइप के बर्मे आ जाएंगे। ये जो है आपको जो दिया हुआ है ब्लैक कलर का, इसमें लोहे, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक में होल कर सकते हैं, ये दीवार में होल कर सकते हैं, ये लकड़ी में होल कर सकते हैं। क्या ये कितने का आता है पूरा पैकेट? ये पूरा पैकेट आपको 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या, इसमें अलग अलग कंपनी आती है, ये नॉर्मली पैकेट 100 रुपये का आ जाएगा। और ये वाला, ये सेम ये दीवार में होल करने का, इसके भी सेम 100 रुपये के आसपास आ जाता है, 100 रुपये का आ जाता है ये। और ये मशीन आपको 700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या, इसमें वेरिएशन आता है। जैसे अपनी वेरिएशन की बात करेंगे तो अभी ये मशीन जो है आपको सिर्फ एक तरफ ही घूम रही है सीधी, ये उल्टी नहीं जाएगी और हैमर भी नहीं करेगी नॉर्मल घर के लिए। मतलब इसमें आप वेरिएशन पे जाएंगे, भैया खोलना दूसरी मशीन बड़ी वाली, ये वाली खोलो वाटरप्रूफ वाली, सेम वाटरप्रूफ वाली, ये सेम पावर बेड कंपनी की आएगी। या इसके अंदर दो तीन वेरिएशन आ जाएगी, ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन, खोल इसको खोल। ये नॉर्मली आपको जो आती है तो 400 वाट के आसपास आ जाती है, बट ये आप बढ़ के 900-950 वाट में चले जाएंगे। ये हेवी काम करेगी आपकी, ये इसके अंदर आपको दोनों तरफ चलेगी। चला के बताना इनको जरा, रिवर्स फॉरवर्ड सब बता। ये हो गया रफ्तार रिवर्स, ये आराम से रिवर्स फॉरवर्ड हो गया। और ये बटन यहाँ पे दे रखा है, इसको ही बताओ। ये देखो, ये एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज चलती है, ये एंटी क्लॉक वाइज चल रही है अभी, ये क्लॉक वाइज, ये खोलने और क्लॉक वाइज काम करती है, और ये दीवार में हैमरिंग करने का भी काम करती है। ये दीवार के लिए है, ये आपको लकड़ी लोहे के लिए। और इधर आपको अगर कंटिन्यू चलाना हो तो इसको आप ऐसा रोक भी सकते हैं, और स्क्रू भी कसना हो तो आप कम कर लो, स्पीड कम हो जाएगी आपकी। के लिए ये 1100 रुपये स्टार्ट हो जाती है, 1100 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक होती है।
1900 से 2000 तक आती है। क्या वेरिएशन आता है इसमें भी कि आपको 600 वाट का लेना है, 600 वाट का लेना है, 500 का है, 800 का है, ये 950 वाट्स का है। जैसे इसमें लिखा हुआ आएगा फिर सबके ऊपर, ये 950 वाट्स, ये आएगा आपको 750 वाट, 600 वाट भी आएगा। तो ये 1100 के आसपास होगी। ये वाटरप्रूफ वाली जो आपको बताई थी ना, पानी में डालने से ख़राब नहीं होगी, ये वाटर प्रूफ आएगी, 100% वाटर प्रूफ आएगी। ये आपको 2250 रुपये के आसपास आएगी। बताओ देखो उसको वाटरप्रूफ। अभी एक्चुअली क्या है, वो पानी में नहीं जा पाएगी। अब इसके बाद में अगर आपको एक तो छोटा काम हो गया घरेलू काम के लिए, अगर आपको बड़े इंडस्ट्रीज काम के लिए, तो अपन ये हेमर मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े होल कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे बीट लग जाती है फास्टनर वगैरह लगाने के लिए, ये बड़ी बीटें वगैरह लग जाएगी इसमें, ये फास्टनर वगैरह की होल कर देगी आपको। ये क्या रेंज की आती है? ये आपको 1700 रुपये से स्टार्ट होकर फिर अपने अप टू 2800, 2000, 3000 तक जाती है। पर नॉर्मली अगर कोई भी आप हेमर ड्रिल लेते हैं तो 1700 रुपये से आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है 500 वाट की, 600 वाट की। ये कितने का आता है? नहीं, ये इसके साथ में तीन फ्री आएंगे अंदर। तीन फ्री, अगर कोई सिंगल ले तो उसका क्या रेंज? सिंगल लेगा तो उसको अगर 6 mm का लेना है तो 60 रुपये का आएगा, और जैसे जैसे mm बढ़ते जाएंगे, यानी 6 mm से 25 mm तक का होल कर सकती है। नॉर्मल 6 mm, फिर 12 mm, आधे इंच, पौन इंच, 1 inch तक का, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा होल कर रहा है। उसके बाद हम ये यहाँ अपन आ गए ड्रिल मशीन में होल करने के लिए। इसके बाद अगर आप घर में कुछ तोड़ना करना है अपने को, तो ये फिर ये हेमर मशीन आ गई। आप लोगों को किचन तोड़ना है, बालकनी तोड़ना है, कोई भी तोड़ने करने काम के लिए हेमर मशीन का इस्तेमाल होती है। बड़ी हेमर होती है, ये तोड़ने का काम करती है। इसमें आप लगा देंगे, ये तोड़ने के लिए एक बर्मा लगा देंगे आगे आप। ये लगाया आपने, ये देखिए, ये एकदम तोड़ने का। की बात करें कितने रेंज तक तो? ये 3000 से स्टार्ट होकर 4800-5000 तक जाती है। ये क्या होता है, एक्चुअली नॉर्मली जो आपको बताया मैंने, ये हेमर जो है तो ये इसका जो वाट आएगा आपको 900 वाट करीब है। ये वाला किस रेंज का होगा? ये वाला 3200 रुपये का है। 3200 5 किलो हेमर है, घर में तोड़ा फोड़ी के लिए है, टाइल्स वगैरह के लिए, प्लम्बर लोग वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इजीली आप इसको हैंडल लगा के चला सकते हैं इससे। इसके बाद इसकी 7 किलो भी आती है, 11 किलो भी आती है, वो बढ़ जाते हैं फिर उसका लेवल बढ़ जाएगा। 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 11 किलो, 17 किलो तक जाती है। 17 किलो तक जाती है। हाँ, 17 किलो की किस रेंज की होती है? 17 किलो की सर वो आएगी आपको 7000 रुपये के आसपास, उसको एसी मशीन बोलते हैं। आप इधर आएंगे मेरे साथ में ज़रा, ये सेम उसी फंक्शन के अंदर 17 किलो का बड़ा मशीन है। इधर आगे बढ़ते हैं, ये अपन आ जाएंगे, छोटा स्क्रू ड्रावर है। ये स्क्रू वगैरह कसने के लिए घर पे मशीन आती है, इसके अंदर बैटरी चार्जर आता है, ये नॉर्मल मोबाइल से चार्ज हो जाता है, और इसको ये नॉर्मल मोबाइल से चार्ज करके अपन इसको उल्टा और सीधा दोनों चला सकते हैं। देखिए ये चलने लग गया है, इसमें सब पिन लगा देंगे। जो भी स्क्रू वगैरह अपने को कसना रहेगी, छोटी सी ड्रिल है, घर का कोई काम हो मोहनने वाला, ये इसको ये सब फिट करा, ये दो भी चल रही है। ये क्लॉक वाइज भी चलती है, ये एंटी क्लॉक वाइज भी चलती है, दोनों तरह चलती है। इसको अपन नॉर्मली जो है चार्ज करने के लिए नॉर्मल अपना USB पिन लगा देंगे यहाँ पे सॉकेट, और इसको USB के थ्रू चार्ज कर लेते हैं। ये चार्ज करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यू चलती है, तो फिर दोबारा चार्ज करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रेंज की आती है? ये तकरीबन 800 रुपये के आसपास आएगी आपको, और इसी रेंज में अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो इसमें फिर ये 2 बैटरी वाला बड़ा स्क्रू ड्रावर आ जाता है। भाई खोल दो, जिसमें स्क्रू ड्रावर है, ये देखो इसका ये ऐसा स्क्रू ड्रावर ले रहे थे। इसके अंदर आपको 3 बैटरी आ जाएगी सेम, वो सिस्टम सेम। ये चार्ज करने के लिए ये स्ट्रोक का आएगा, स्क्रू खोलने का कसने के लिए। इसके अंदर 1 बैटरी आप निकाल लेंगे, दूसरी बैटरी को चार्ज करेंगे, तीसरी बैटरी, 3 बैटरी, जैसे ये बैटरी आपने, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप इस बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। और ये बैटरी को आप यहाँ दूसरी लगा लेंगे, ये लगा के चालू कर लेंगे। और ये दूसरी वाली जो बैटरी आपने पहले निकाली, उसको आप नॉर्मली प्लग में लगा के अलग से चार्ज कर सकते हैं।
ये देखो, ये जब चार्ज होगी, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, लाल कलर की लाइट लगेगी इसमें रेड कलर की, और ये अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसको क्या रेंज की आती है ये? एक्चुअली क्या होता है, ये डिपेंड करती है कि आपको दो बैटरी वाली लेना, तीन बैटरी वाली लेना है। ये अभी आप दो बैटरी लेंगे तो 1400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, मगर ये तीन बैटरी वाली इसमें थोड़ी सी महंगी है, 1700 1750 रुपये की इसमें तीन बैटरी आएगी, एक दो तीन। इसका स्क्रीन को ये आप इसमें क्या होता है, जैसे ये आपने बैटरी देखी ना पहली वाली, ये 4 वोल्ट की थी। ठीक है सर, अब ये बैटरी जो है ये आपको ये 12 वोल्ट की आएगी। ये देखिए सर, ये 12 वोल्ट की है। इसी रेंज में अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर अपन आ जाएंगे 21 वोल्ट के ऊपर वापस। ये इसके अंदर पूरा सेट साथ में आएगा, ये मूवेबल, इसकी ये मूवेबल आएगी। आपको कहीं भी अगर उल्टा नीचा घसना हो तो इसको मूव करके आप इस बैटरी को इसके अंदर लगा सकते हैं। एक्चुअली जो आप बता रहा हूँ आपको, ये 21 वोल्ट की है, इस बैटरी को अपने से यूँ लगाएंगे। ये देखिए ना, 21 वोल्ट लिखा हुआ है। पहले 4 वोल्ट की थी वो वाली, देखो इधर बताएं, ये 4 वोल्ट की थी, ये 12 वोल्ट की है, ये अब 21 वोल्ट पे आ गया। तो मेरे ये थोड़ा और हेवी हो गया, इसके अंदर दो बैटरी है, इसको वाकई उस सही तरीके से कंटिन्यू चार्ज कर सकते हैं। एक बैटरी को चार्ज पे लगा लेंगे, दूसरी बैटरी को भी लगा लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ स्क्रू वगैरह कसना करना है तो आप इसको वही रिवर्स वाला सेम तरीका है, और ये इसके अंदर सारे बीट दे रखे हैं, ये होल करने के दे रखे हैं, कसने के दे रखे हैं, स्क्रू वगैरह खोलने के लिए अगर आपको खोलना हो तो कुछ भी स्क्रू खोल। ये आपको ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नहीं जा सकते, अब इसके अंदर ये बेंड करा हुआ भी दे रखा है आपको, इसको ऐसे चलेंगे अपन। इसको ऐसा कस लेंगे, सॉरी, ये कस लिया अपन ने। इसके ऊपर कोई भी जैसे स्क्रू वगैरह अपने को अंदर कसना है, ये निकालेंगे, इसको यहाँ लगा लेंगे अपन, तो ये मूवेबल हो जाएगा। ये स्क्रू यहाँ कस लीजिए, मान लो ये स्क्रू को अपने को कसना है तो इसको यूँ कस सकते, समझ गए ना आप, खोल भी सकते। या ये जैसे ये आपको यूँ अंदर कसना हो कोई स्क्रू, या कोई आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है इसके अंदर, या सामने से कसना है सामने से कर सकते। ये 21 वोल्ट की है, ये 2400 रुपये 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और डिपेंड करता है फिर आपको कौन सी कंपनी की लेना, अलग अलग कंपनी की अलग अलग मिल जाएगी। ये 21 वोल्ट की। साथियों, यदि आप अम्मार पावर टूल्स एंड हार्डवेयर पर गए हैं और हमने जो दिखाया है वो मिला है या नहीं मिला है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में यदि अगर कोई पेट्स, प्लांट्स एवं मशीनरी से जुड़ा हुआ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आपके लिए लेकर आए। साथ में यदि अगर कोई वीडियो बनवाना चाहता है वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी शॉप का नाम और मोबाइल नंबर छोड़े हम उससे संपर्क करें।